सेकेंड गियर में है फिर भी इसकी सांसें अटक रही हैं। नहीं नहीं मी है लंबू ना चले चले। आगे का रास्ता इतना डेंजर है ना कि जो टैक्सी वाले भी है ना वो लोग रुक के पूछ रहे हैं कि भाई ड्राइवर चाहिए क्या, उनको पता है कि हम नहीं चढ़ा पाएंगे। बाकी आपको अभी ना एक तगड़ा वाला व्यू दिखाता हूँ, ये देखो लग रहा है ये माथेरान है यार, ये तो पूरा भूतिया लग रहा है। बाकी ये देखो ये दो है कि लिटरली फट रही है मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं अरे मैं बोल रहा है विपिन शक्ल पे दिख रहा है थोड़ा थोड़ा पीछे आगे पीछे देख रहा है वो रात का टाइम है, ये कभी आगे देख रहा है कभी पीछे देख रहा है। गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली, आज मैं जा रहा हूँ पहाड़ों में और इस ट्रिप पे ना हम तीन जन जा रहे हैं, मैं विपिन और संकेत। तो मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ और वो लोग आ रहे हैं कामोठे से करंजाड़े, मैं जहाँ पर रहता हूँ यहाँ पर आ रहे हैं बाइक से। इसके बाद यहाँ से हम लोग साथ में जाएंगे पहाड़ों में और कहाँ पे जा रहे हैं क्या कर रहे हैं थोड़ी इन्हें पता चलेगा। अब सवाल ये है कि ये गाड़ी वहाँ पर जा पाएगी कि नहीं, क्योंकि जहाँ पर हम जा रहे हैं ना तो वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा हाइट पे है, मतलब काफ़ी स्टीप चढ़ाई है। तो अब ये देखना है कि ये गाड़ी अपनी सलेरियों चढ़ पाती है क्या। वैसे तो चढ़नी चाहिए, उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं 8-9 साल पहले जब वहाँ पे गया था ना, ये मैं दूसरी बार जा रहा हूँ वहाँ पे, जब मैं 8-9 साल पहले वहाँ पे गया था तो भाई उस समय मैंने देखा था रोड काफ़ी ज़्यादा डेंजर थे, उस समय थोड़ा छोटा भी था तो मुझे आइडिया नहीं था उतना। अभी तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस भी आ गया है तो देखते अपनी गाड़ी वहाँ पे चढ़नी चाहिए। भाभी से लिया ना परमिशन, ये शादीशुदा है तो थोड़ा भाई दिक्कत हो जाता है थोड़ा परमिशन लेने में, वापस नहीं आना पड़ेगा ना आज ऑफिस में, मैं बोल के आया हूँ ऊपर से पता है। अच्छा अच्छा जा रहा हूँ उस दिन इसने मैसेज किया था, तो अभी पहुंच जाएंगे ना माथेरान तक पहुंचेंगे ना भाई। तो बोलो भाई गणपति बप्पा। तो भाई आज हम लोग जा रहे हैं माथेरान और यहाँ से माथेरान पहुंचने के लिए ना 1 घंटा 43 मिनट लगेगा। अब 1 घंटा 43 मिनट जीपीएस के हिसाब से लग रहा है, लेकिन मैं 2 घंटे पकड़ के चल रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा हाइड्रोफोबिया और हम लोग जहाँ पे जा रहे हैं ना वो थोड़ा काफ़ी ज़्यादा हाइट पे है, मतलब घाट रोड है और घाट रोड वैसा भी नहीं नॉर्मल नहीं है, मतलब पूरा स्टीप चढ़ाई है तो थोड़ा सा डर लगता है मुझे, तो मैं थोड़ा स्लो चलूँगा, तो इस हिसाब से मैं 2 घंटे कंसिडर कर रहा हूँ। बाकी मौसम आज का ना काफ़ी ज़्यादा सही है यार, मतलब बारिश वगैरह नहीं होती है तो घूमने भी मज़ा आता है। बाकी इस ट्रिप पे विपिन संकेत और मैं, हम तीन जन जा रहे हैं और यहाँ का ये हमारी जर्नी का पहला टोल आ चुका है। यहाँ पे कितना 35-40 रुपये लगता है, पहले 35 रुपये लगता था अब 40 रुपये लगता है। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना के रखी है किसी काम की नहीं भाई, अंदर रूम अंदर रूम मतलब घुसते ही खत्म। ये वाला इसका अच्छा है, ये वाला अच्छा है, जो अच्छा है वो अच्छा है भाई। पनवेल से बाहर निकलते ही ना रास्ते ना एक नंबर मिलने लगते हैं अपने को, और जहाँ पर आज हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे तो और भी अच्छे रास्ते, मतलब वो तो पूरा माउंटेन एरिया ही है। भाई हम लोग कब खरीद पाएंगे ये सब, खरीदेंगे कि नहीं भाई? तो आज बड़ा यूट्यूबर बन जाएगा। विपिन के पास तो है, हाँ सब है मेरे पास। तो भाई ये है करजत का कोई छोटा सा मार्केट और यहाँ से हमको लेना है लेफ्ट। तो भैया अगर आप भी माथेरान आना चाहते हो ना तो यहाँ तक पहुँचना बहुत ही आसान है। अगर आपके पास खुद की कार और बाइक नहीं है ना तो यहाँ पे आपको करजत जाने वाली ट्रेन पकड़ लेनी है और नेरल उतर जाना है, और वहाँ से ना टॉय ट्रेन और कैब्स वगैरह चलती है जो आपको ना 15-20 मिनट में पॉइंट्स तक लेके चली जाती हैं, जो माथेरान का पॉइंट्स वगैरह होते हैं ना जितने भी। बेसिकली माथेरान एक हिल स्टेशन है जहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स वगैरह हैं तो लोग वहाँ पे जाकर इंजॉय करते हैं, बाकी ऊपर का क्लाइमेट भी बहुत अच्छा रहता है। तो नेरल स्टेशन से टॉय ट्रेन्स और कैब्स वगैरह चलती है जो आपको ऊपर तक लेके जाती है। अगर आपके पास खुद की कार और बाइक नहीं है तो आप ट्रेन से आ सकते हो, काफ़ी ज़्यादा ईजी और कन्वीनियंट रहेगा। बाकी अगर आपके पास कार है तो उसके लिए फिर मैं गूगल मैप का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको आप फॉलो करके यहाँ तक पहुँच सकते हैं। यहाँ से लेफ्ट मार के हमको माथेरान के लिए जाना है। बाकी ये रोड कहाँ जाता है पता नहीं मुझे। यहाँ से देखो, यहाँ से आपको कैब्स वगैरह, ये जितनी भी कैब्स वगैरह है ना, यहाँ से ये सारी कैब्स आपको मिल जाएंगी जो आपको ऊपर लेके जाती है माथेरान। अब यहाँ से मेन अपना घाट स्टार्ट होता है, ये जो घाट स्टार्ट हुआ है ना यहाँ से ऊपर जाने के लिए ना 9 किलोमीटर है, और 9 किलोमीटर यहाँ से कवर करने के लिए ऑलमोस्ट आधा घंटा दिखा रहा है, तो मतलब घाट है इस वजह से इतना टाइम दिखा रहा है। तीसरी गियर पे नहीं चढ़ रही है गाड़ी, दूसरी पे ही चढ़ना पड़ेगा कंटिन्यू। धुआं निकल रहा है, धुआं नहीं निकलेगा रे, नई गाड़ी है।
होता है धुआं निकल रहा है क्या भाई? नई गाड़ी है धुआं निकल जाए तो क्या मतलब है? चार पाँच साल पुरानी रहती है तो धुआं निकल भी सकता है, नई गाड़ी में धुआं थोड़ी निकलेगा। धुआं निकल जाएगा तो मारुति में ले जाके वापस से दे देंगे और क्या फायदा यार। एक गाड़ी भाई बाकी व्यू देखो यार, तगड़ा लग रहा है, ऊपर तो फॉग है, फुल मजा आने वाला है अगर ऐसे ही लोकेशन रहेंगे तो। अब पहाड़ों में तो ऐसे ही लोकेशन रहेंगे। अभी भी अपना जो स्टीप चढ़ाई है ना वो स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी चल रहा है। तो भाई साइकिल से चला गया था, नीचे उतर रहा है 80 स्पीड में। तो भाई थर्ड पे मैं चल रहा था और यहाँ से ना पूरा स्टीप चढ़ाई चालू हो गया है अभी। तो थर्ड पे तो इम्पॉसिबल है चढ़ने के लिए, सेकंड पे चल सकती है, अभी सेकंड पे है। बाकी यहाँ से मेन चढ़ाई ना चालू हो गई है तो अपन कंटिन्यू सेकंड पे ही जाएंगे, गियर वगैरह चेंज नहीं करेंगे। हाँ एवरेज तो नहीं मिलने वाला वैसे भी यहाँ पे। अभी ये जो सामने पहाड़ है ना, हाँ ये जो सामने पहाड़ है ना ऊपर अपने को ऐसे ही चढ़ के जाना है। देखो भाई गाड़ी अगर खड़ी हो गई तो चढ़ना थोड़ा सा, देखो पहली गियर में गियर है, कांप रही है सिलेरियो। सही में कांप रही है, धुआं तो नहीं छोड़ेगी, निकल रहा है उसका। तो ऊपर जो है ना पहाड़ ये जो दिख रहा है ना सामने, ऊपर तक अपने को ऐसे ही चल के जाना है चढ़ के। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुक गए थे, यहाँ से जो व्यू है ना यहाँ का बहुत तगड़ा वाला था। ये देखो बहुत अच्छा, बारिश का टाइम नहीं है अभी लेकिन फिर भी पानी कंटिन्यू आ रहा है, थोड़ा थोड़ा ही पानी आ रहा है, ज़्यादा नहीं आ रहा है। और यहाँ से कुछ इस तरह का व्यू है यहाँ का, सही लग रहा है। नीचे देखो पूरा ना धूप है, माउंटेन्स के ऊपर पूरा फॉग है। और यार अपनी गाड़ी ना सही परफॉर्म कर रही है, मतलब थोड़ा सा थर्ड गियर में प्रॉब्लम आ रहा है लेकिन सेकंड गियर में अगर कंटिन्यू ऊपर आते हैं ना, एक फ्लो में आते हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा। थर्ड गियर में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि पूरा ना स्टीप चढ़ाई है तो उस केस में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। तो भाई अभी टाइम हो रहा है 12:30 बजने वाले और यहाँ पर अच्छा खासा रुक गए थे तो यहाँ से अभी निकलते आगे की जर्नी कम्प्लीट करते हैं। सेकेंड गियर में है फिर भी इसकी सांसें अटक रही हैं, अब है भी बहुत ज़्यादा स्टीप है, ऐसा नहीं है कि स्टीप नहीं है। देखो ना फर्स्ट गियर, हाँ फर्स्ट गियर यहाँ पे देखो लिखा ही है फर्स्ट गियर, हम सेकंड गियर पे चढ़ा रहे हैं तो भाई गाड़ी की गलती नहीं है अभी तो, यहाँ पे तो नहीं है यहाँ पे, हाँ इसीलिए लिखा था ना यहाँ पे फर्स्ट गियर। ये कुछ ज़्यादा था, ऐसा लग रहा है जनरेटर चला रहा हूँ मैं। नहीं नहीं हाँ मी हाँ लामबुन मारा लामबुन ना, चले चले। आगे का रास्ता इतना डेंजर है ना कि जो टैक्सी वाले भी है ना वो लोग रुक के पूछ रहे हैं कि भाई ड्राइवर चाहिए क्या, उनको पता है कि हम नहीं चढ़ा पाएंगे लेकिन हम चढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि उनको भरोसा नहीं हो रहा है कि हम चढ़ा पाएंगे लेकिन हम चढ़ा के दिखाएंगे। तो ये जो आगे वाला चढ़ाना है ना काफ़ी ज़्यादा स्टीप है। दूसरी चीज़ ऊपर कर गया हमारा, ये रोड देख रहा था। बाकी ये वो भाई ट्रैक है जो बीच बीच में ऐसे हर जगह पे आपको मिलता रहेगा, बाकी कैब्स वगैरह आपने देखे ही होंगे बीच बीच में आते जा रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे 2-3 ऑप्शन है जिससे आप ऊपर जा सकते हो, एक तो है टॉय ट्रेन और दूसरा है कैब। ये देखो ये वाला कैब है, इस टाइप की यहाँ पे कैब्स चलती हैं। तो भाई एक बार यहाँ वापस से हम लोग रुक गए थे और यहाँ से कुछ इस तरह का व्यू है। अब व्यूज़ इतने अच्छे अच्छे हैं ना कि हर जगह पे अपन रुकने के लिए मजबूर हो जा रहे हैं। बाकी यहाँ से नीचे का व्यू देखो, ये जो रास्ते ना जिगजैग करके ना पूरा ऊपर तक ऐसे ऐसे आ रहा है। और ये कैमरे में नहीं पता चल रहा होगा भाई लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा स्टीप है। अब वो गाड़ी आ रही है देखो, चढ़ गई। तो ये कैमरे में नहीं पता चलता लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्टीप है और काफ़ी ज़्यादा हाइट पर आ चुके हैं, मतलब उतना देखो। और नीचे देखो पूरा धूप है, ऊपर पूरा फॉगी है। तो भाई हम लोग पहुंच गए यहाँ पे पार्किंग है, यहाँ पे गाड़ी पार्क करेंगे उसके बाद अपन ऊपर ट्रैक करके जाएंगे। कैसे ऊपर लग जाओगे? घोड़े पे, घोड़े पिता के लेके जाएंगे। ये खुद ही घोड़ा है, इसको घोड़े की क्या जरूरत है। पार्किंग कुटे है आगे। हाँ तो भाई यहाँ पे पार्किंग भरपूर, आपको कमी नहीं होगी पार्किंग की। अरे हटो यार, अरे कहाँ कर रहे हो, इतना तगड़ा वाला हॉर्न लगाया है फिर भी नहीं हट रहे हैं लोग, इससे भी तगड़ा वाला लगाना पड़ेगा। तो पार्किंग भरपूर यार और बहुत गाड़ियाँ दिख रही हैं, मतलब ऊपर बहुत पब्लिक दिखने वाली है। तो यहाँ पे गाड़ी हमने पार्क कर दी है
पार्किंग बहुत ज़्यादा भर भर के पार्किंग यहाँ पे। और यहाँ से ट्रैक करके ऊपर जाने तक ना अपने को कितना टाइम लगेगा? आधा एक घंटा लगेगा ना? 15-20 मिनट। तो भाई अभी टाइम देख रहे हो, 1 बजने वाले हैं और यहाँ से ऊपर जाने के लिए ना हमको आधा घंटा लगेगा। यहाँ से ट्रैक करके ऊपर जाना पड़ेगा। देख लिया बैग में कुछ तो देखा उसने, बैग में कुछ तो देखा है। अरे यार। तो भाई ये पास लेना पड़ता है, पर पर्सन 50 रुपीज है यहाँ पे। तो हम लोग 3 जने तो हमको 150 देने पड़े यहाँ पे। ये देखो बाकी यहाँ से कुछ इस तरह से रास्ते हैं। बाकी भाई ना इस तरह से यहाँ पे आपको घोड़े मिल जाएंगे, तो आप हॉर्स राइड भी लेके आप ट्रैक कर सकते हो। बाकी यहाँ पे ऐसे हॉर्स वगैरह लेने का कुछ सेंस नहीं बनता, क्योंकि नॉर्मल ट्रैक है, मतलब जितना भी है ना वो नॉर्मल ट्रैक है। आपको ज़्यादा स्टीप वगैरह ट्रैकिंग नहीं यहाँ पे, यहाँ से ज़्यादा स्टीप जितना भी ऊपर आना था ना उतना ऊपर हम आ चुके हैं। बाकी यहाँ से पूरा प्लेन ट्रैकिंग ही है, ज़्यादा स्टीप नहीं है। तो आप ऐसे पैदल भी जा सकते हो और पैदल चलने में ही मज़ा है। ऐसे घोड़े वेड़े मत करना, मैं तो बोलूँगा। अगर जिसको करना है वो घोड़े अपना ले सकते हैं। अमन लॉन्च, तो अभी ये ना स्टार्टिंग है, ये स्टेशन से आप ना ट्रेन लेके जा सकते हो। ये स्टेशन है अमन लॉन्च करके, यहाँ से आप ट्रेन लेके जा सकते हो या फिर आप पैदल भी ट्रैक करके जा सकते हो। मैं तो बोलूँगा पैदल ही जाओ ट्रैक करके, काफ़ी ज़्यादा इजी और कन्वीनियंट है, ट्रेन की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो भाई ये देखो ट्रैक है, इस तरह से है। अगर ट्रेन से आप आ रहे हो ना तो ऐसे ट्रेन जाती है। बाकी यहाँ से आप ट्रैक करके भी जा सकते हो। एक और रास्ता था जहाँ से आप ट्रैक करके जा सकते हो, लेकिन ये शॉर्टकट था तो हम लोग इससे जा रहे हैं। ये थोड़ा जल्दी अपन इससे पहुँचेंगे। पुराने टाइप का होटल लग रहा है। और ये भाई घोड़े यहाँ के। बाकी यहाँ पे ना इस तरह से होटल्स वगैरह भी आपको मिल जाएंगे, तो आप अगर आप यहाँ पर आके स्टे करना चाहते हो ना तो वो सारी चीज़ें भी कर सकते हो। होटल्स भी ना अच्छे अच्छे हैं, ऐसा नहीं टेम्परेरी है, अच्छे अच्छे होटल्स हैं। अभी बज रहे कितना, 3:30 बज रहे हैं। तो हम लोग ना ये भैया से थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं कि पहले हमको कहाँ जाना चाहिए। पैदल जाना है? पैदल घोड़ा नहीं यार, घोड़ा ये देख रहे इतना बड़ा घोड़ा खुद ही है। पहले जाओ चॉकलेट लेक, फिर वहाँ से उधर से इको पॉइंट। अलग अलग ग्लासेस स्टोन्स लेके ना कुछ तो बनाया है, सही लग रहा है। तो यहाँ से जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस है ना भाई, वो कवर करने के लिए ना 15-20 मिनट लग जाता है। और उस इस तरह से देखो कुछ रास्ते हैं, पहले ये मिट्टी का हुआ करता था, अभी तो पूरा पक्का कर दिया है। बाकी इसके अंदर भाई ना ऐसे मस्त मस्त वाले रिजॉर्ट आपको मिल जाएंगे। तो आपको होटल लेके स्टे करना है ना तो आप अंदर आके भी इस तरह से स्टे कर सकते हो। तो एक बार यहाँ पे देखो क्लियर दिख रहा है, इको पॉइंट इस साइड में है, किंग पॉइंट इस साइड में है। ये सारे जितने भी पॉइंट्स है भाई नाम पढ़ लेना पॉज करके वीडियो। बाकी अभी हम लोग इस तरफ जाते हैं। अभी यहाँ पे इतने सारे कट्स हैं ना कि समझ में नहीं आ रहा जाना कहाँ पे है। एक इधर से भी रास्ता है, एक इधर से भी रास्ता है। अब यहाँ पे कुछ तो साइन लगाना चाहिए था, तो अब पता नहीं चल रहा है। ये भाई किसी पॉइंट पे भी जाता है, लेकिन अपन इधर नहीं जाएंगे, अपन इधर जाएंगे। भाई कितने सारे घोड़े हैं यहाँ पे, लिमिट से ज़्यादा है ना घोड़े यहाँ पे। इतना ज़रूरत नहीं है भाई, पब्लिक उतना नहीं है जितने घोड़े हैं। ओ भाई देखो जन्नत, दिख रहा है कि नहीं कैमरे में, दिख रहा है ना। और वो वाला पहाड़ ना, वो वाला जो माउंटेन है ना, वो पनवेल से भी दिखता है। गजब लग रहा है भाई, बिल्कुल फॉग नहीं है, एकदम क्लियर है, हल्का हल्का धुंध है लेकिन सही दिख रहा है। और उस साइड में भी देखो पॉइंट्स हैं, अलग अलग पॉइंट्स हैं, तो उस साइड में भी कुछ लोग हैं। मैं अभी फ़िलहाल इधर के लिए आया हूँ क्योंकि इधर कोई नहीं है, तो आगे थोड़ी देर में उधर जाता हूँ, उधर से भी दिखाता हूँ। बाकी ये जगह देखो भाई, थोड़ी देर पहले ही बारिश आके गई है तो पूरा क्लियर हो गया है। पता नहीं कैमरे में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा होगा ऑब्वियसली, दिख रहा होगा क्योंकि अभी फॉग वगैरह बिल्कुल नहीं है, हल्का हल्का धुंध है। बाकी यार अमेजिंग जगह, प्रॉपर टूरिस्ट प्लेस है आज की डेट में ये को माथेरान। यहाँ से जाते हैं दूसरे पॉइंट पे, बहुत हो गया यहाँ पे। तो भाई इको पॉइंट अपना कवर हो चुका है, अभी हम लोग ना लेक पे जा रहे हैं। यहाँ पे एक लेक है, उतनी पब्लिक नहीं है यहाँ पे जितने घोड़े हैं। यहाँ पे देखो लाइन से कितने पार्क हैं उधर। तो ये देखो भाई यहाँ का ये वाला लेक है, क्या सही लग रहा है ना। शैरलेट लेक भाई अपना हो गया, जो भी था पीछे वो शैरलेट लेक था। अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। जगह ना बहुत अच्छी है, लेकिन प्रॉब्लम इज कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए ना काफ़ी टाइम लग जाता है। अभी इको पॉइंट और ये लेक का डिस्टेंस 10-15 मिनट की दूरी पे था तो ठीक था, बाकी दूसरे जो पॉइंट्स है ना उसको कवर करने के लिए यहाँ से अभी कम से कम
एक डेढ़ घंटे लगने वाले हैं। तो भाई अभी यहाँ से हम लोग दूसरे वाले पॉइंट पे जा रहे हैं और विपिन तो अभी काफ़ी ज़्यादा थक गया है। हम लोग अभी ना वापस से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं। बाकी यहाँ पे यार इतने सारे पॉइंट्स हैं ना, 38 पॉइंट्स हैं टोटल, और एक साथ कवर करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तो वापस से दूसरे पॉइंट पे जाते देखते अभी कितने टाइम में पहुँचेंगे। अभी टाइम हो रहा है 5:30 बजने वाले हैं। तो भाई यहाँ पे एक पॉइंट है किंग एडवर्ड, तो यहाँ से रास्ता है इसका। ये इधर कोई भी नहीं दिख रहा यार। बाकी आपको अभी ना एक तगड़ा वाला व्यू दिखाता हूँ। ये देखो वाटरफॉल वहाँ पे आगे है। अब यहाँ पे बैरिकेटिंग है, आगे जा नहीं सकते, थोड़ा रिस्की भी है। थोड़ा क्या, बहुत ज़्यादा रिस्की। यहाँ से सीधा गए ना अंदर तो कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते भाई, कुछ मिलेगा। बाकी वहाँ पे एक वाटरफॉल है, कैमरे में दिख रहा होगा। उसके आगे ना वो लेक है, नीचे मोरबे डैम लेक है वो। यहाँ पे जितने भी हमने पॉइंट देखे ना अब तक का सबसे बेस्ट है ये। और ये अरविंद फोटो निकाल रहा है, मेहनत देख सकते हैं आप, कोई है नहीं, मेहनत देख सकते हैं इतना जान पे रिस्क लेके। चल हवा चल रही है ना तो लग रहा है कि मैं नीचे जाऊंगा। तो लड़का कुंवारा है तो कुंवारी लड़कियों कांटेक्ट कर लेना भाई से। लड़का अपना नहीं बोल रहा है, हाँ मैं भी ढूंढ रहा हूँ करके, ढूंढ रहा हूँ लेकिन कोई मिल नहीं रहे तो वो अलग बात है। मेरा भी होगा वो रहेगा और मेरा कट होगा। नहीं नहीं जो भाई जो रिकॉर्ड हुआ है सब रहेगा, कोई कट नहीं होगा, नहीं होगा। तो भाई मस्त यहाँ पे घूम फिर के हो गया। बाकी यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे होटल्स वगैरह हैं, होटल्स का छोटे छोटे शॉप्स हैं, तो यहाँ पे आप अपना नाश्ता पानी कर सकते हो। बाकी हम लोग ना यहाँ से निकल रहे हैं आगे के लिए, और अभी टाइम हो रहा है 6 बजने वाले हैं। अंधेरा तो वैसे नॉर्मली 7 बजे तक होता है, लेकिन ये हिल स्टेशन है और चारों तरफ से पूरा जंगल है ना, तो फॉगी फॉगी हो चुका है काफ़ी ज़्यादा, तो ऐसा थोड़ा अंधेरा अंधेरा लग रहा होगा। लेकिन अभी भी अंधेरा होने में 1 घंटा है। तो हम लोग यहाँ से अभी ना मार्केट की साइड में जा रहे हैं, जो माथेरान का मार्केट है ना उस साइड में जा रहे हैं। अब मार्केट तक पहुँचते अंधेरा ना हो जाए बस। बोलना क्या होता है तो अभी क्या तेरा प्रोफाइल क्या है एग्जैक्टली करता क्या भाई, तू साला होता शादी वाला चालू कर दे नहीं अरे बोलना, मैं शादी होती कुछ नहीं 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 अभी तू एग्जैक्ट तेरा प्रोफाइल क्या है। मेरा फुल स्टैक डेवलपमेंट। फुल स्टैक, और तुम दोनों भी सेम कर रहे हो ना, सेम कर रहे हो ना, इनका टेस्टिंग में भी डेवलपमेंट है बट वैसा बोल रहा हूं। मतलब दोनों अच्छा, मतलब आगे चल के तुम लोग भी मतलब बहुत सारा पैसा कमाने वाले हो। मैं वही बस बोलना चाहता था क्योंकि भाई ये तो तगड़ा कमाता है, ठीक है, इसने उधर उत्तराखंड में बंगलो वगैरह सब ले लिया, आईफोन वगैरह अभी ले लिया इसने, तो आगे चल के तुम लोग भी अच्छा खासा पैसा कमाने वाले। मेरी तो एज भी हो गई ना। एज कितना हो, शादी नहीं हुआ एज हो गई है। तो भाई टाइम अभी हो रहा है कितना, 7 बजने वाले, और ये व्यू देखो तगड़ा लग रहा है यार, तगड़ा लग रहा है। पूरा हिल स्टेशन पे है ना, तो पूरा फॉग ना पूरा ऊपर पहाड़ तक आ गया है, और पूरा चारों तरफ से जंगल है ना, तो अलग ही लग रहा है यार। और इस तरह से देखो, ओ भाई, और ये कुछ मार्केट का व्यू देखो भाई, लग रहा है ये माथेरान है। माथेरान लोग ज़्यादा करके ना ऐसा समझते हैं कि हिल स्टेशन है, पॉइंट्स वगैरह हिल स्टेशन है, वो एंजॉय करने के लिए आते हैं, लेकिन रात में कुछ ऐसा माहौल रहता है भाई यहाँ का। बाकी भाई यहाँ पे कुछ इस तरह से होटल्स वगैरह हैं, तो अगर आपको यहाँ पे स्टे करना है तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ का जो वाइब है ना वो काफ़ी ज़्यादा सही है। तो यार ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम लोग ना माथेरान में हैं, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि मैं गोवा में हूँ। यहाँ का नाइट लाइफ यार अलग ही है, मतलब नेक्स्ट लेवल का है। यहाँ पे चिक्की भी मिलता है, तो बहुत सारे ऑप्शन है, मतलब ये सिंपल है क्या, इतने सारे टाइप के चिक्कीज यहाँ पे मिलते हैं। ग्राउंड नट है, ग्राउंड नट है, चना है, गुड़दा है, ग्राउंड नट है, राजमा है, 70 रुपीस पॉट है। तो भाई ये कुछ ग्रुप्स थे जो हमको यहाँ पे आके ज्वाइन किए हैं अचानक से, एक्सपेक्ट नहीं था, मतलब हम लोग तो 3 दोस्त ही आए थे, लेकिन ये लोग यहाँ पे आके हमको ज्वाइन किए हैं, तो ये सही है, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ अब बोलो कैसा लग रहा है यहाँ का नाइट लाइफ।
नाइट लाइफ अभी स्टार्ट ही हुआ है बट ये एक्सपेक्ट नहीं था ना कि मतलब इतना कुछ रहेगा नहीं ये इतना एक्सपेक्ट था कि मतलब रात में इतना कुछ रहेगा यहाँ पे मुझे भी नहीं पता था लेकिन कैसा मतलब ये पूरा फॉरेस्ट काइंड ऑफ सही है ना अभी तुम लोग यहाँ पे जैसे स्टे कर रहे हो तो सही है ना दिन में पूरे सारे पॉइंट्स घूमो उसके बाद रात को मतलब ये मार्केट घूमो सही है ना सर दोनों पाव क्या क्या बोलते इसको फज तो भाई यहाँ पे जो कुछ भी लेना था वो हमने ले लिया अभी यहाँ पे डिनर करेंगे उसके बाद यहीं से निकलेंगे घर पे तो अभी 8 बजने वाले 7:30 हो रहा है कैसा लग रहा है संकेत सही ओपिनियन रिव्यू देना ऑडियंस को सही पता चलना चाहिए अच्छा हो गया हाँ बस इतना ही बाय बाय चैनल को सब्सक्राइब कर दो बोल दो बोलो बोलो हाँ ठीक है चलेगा थैंक यू चलो बाय 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 अभी ना यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं पार्किंग अपनी काफ़ी ज़्यादा दूर है यहाँ से मतलब आधा घंटा लगेगा यहाँ से चल के जाने के लिए पार्किंग के पास में पहुँचने के लिए बाकी वहाँ से अपने घर तक पहुँचने के लिए 1.5 घंटे लगेंगे तो एक बार पार्किंग के इधर पहुँचते हैं उसके बाद देखते हैं भाई क्या सीन है तो रास्ते देख रहे हो ये मेमोरीज भी ना हमेशा के लिए याद रहेंगी मतलब एक्सपेक्ट नहीं था भाई रिटर्न जाते वक्त ना ऐसा कुछ मिलेगा पूरा अंधेरा है और हम तीनों ही जा रहे हैं देखो इस तरफ भी कोई नहीं है और इस तरफ भी कोई नहीं है यहाँ से रहेगा ना कुछ रास्ता नहीं रहेगा ना ये पूरा नीचे तक रास्ते देख अच्छा है हाँ हाँ चलो चलो यहाँ से जाते हैं गेट है बट बंद है आई थिंक आओ जरा है खोल सकते आ जाओ यार ये तो पूरा भूतिया लग रहा है पूरा भूतिया लग रहा है ऊपर जो भी लोग थे ना सब लोग वहाँ पे स्टे करने वाले थे तब ऊपर उतना ज़्यादा भीड़ था हमको लगा कि नीचे जाने वाले लोग भी रहेंगे लेकिन ऐसा कुछ है नहीं भाई तो अपन अभी ऐसे चल के नीचे पार्किंग के इधर जा रहे हैं उसके बाद वहाँ से निकलेंगे एक बार पार्किंग के इधर पहुँच गए उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है बाकी ये देखो ये दो है और 10 मिनट इसकी लिटरली फट रही है मुझे ऐसा लग रहा है नहीं अरे मैं बोल रहा हूँ विपिन शकल पे दिख रहे हैं थोड़ा थोड़ा पीछे आगे चल रहे हैं वो रात का टाइम है ये कभी आगे देख रहा है कभी पीछे देख रहा है पूछेगा तो होता क्या है पता है क्या वो समझेंगे कि न्यू है और नहीं पूछेगा ना तो इतनी रात को कोई चलने वाला कोई उतना गट से यहाँ पे रात को चलने के लिए तो वो लोग फिर क्या समझते यहाँ के लोकल्स हैं तो इसलिए ना ऐसे टाइम पे पूछने का नहीं ये यहाँ का लास्ट स्टेशन है अमन लॉन्च ये देखो यहाँ पे लिखा है अमन लॉन्च यार थोड़ा सा लाइट यहाँ पे मिला ना तो सही लग रहा है बाकी बाहर ना पीछे ना तीनों की फट गई थी भाई लिटरली इतना बुरा सीन था ना इतना अंधेरा था और पूरा भूतिया लग रहा था तो लिटरली एक टाइम के लिए ना तीनों की फट गई थी अभी कोई सीन नहीं है अभी मतलब नॉर्मल है पार्किंग तक अपन पहुँच ही गए हैं ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं तो कोई सीन नहीं है एक बार पार्किंग के इधर पहुँच गए गाड़ी के अंदर चले गए ना तो कोई दिक्कत नहीं है ये देखो भाई पार्किंग में पहुँच गए अपन और ये जितनी भी गाड़ियाँ दिख रही हैं यहाँ पे ना जो भी गाड़ियाँ पार्क हैं ना सब लोग ऊपर गए हैं पॉइंट्स पे वहाँ पे आज पूरा रात स्टे करेंगे उसके बाद कल वो लोग निकलेंगे थोड़े दिन में ये भी निकाल लेगा अपना चैनल ओ भाई तो यहाँ पे चाय पीने के लिए अपन रुक गए थे 9:40 हो रहे अभी और यहाँ पे रुक गए थे चाय पीने के लिए तो भाई जब अपन घाट रोड पे थे ना तो गाड़ी के अंदर ना कुछ तो फंस गया था तो अपन ना सब डर गए थे घाट रोड पे मतलब पूरा अंधेरा था और गाड़ी के अंदर से ना अचानक से बहुत आवाज़ आने लगी थी तो सब डर गए थे भाई ये क्या सीन हो गया नई गाड़ी के साथ में ये क्या सीन हो गया था लेकिन ऐसा कुछ सीन नहीं था एक लकड़ी फंसा था अंदर अरे हाँ यही है निकाल लकड़ी है क्या हाँ निकल गया हाँ अरे क्या बात है अचानक से ना गाड़ी में बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा था सबको लग रहा था क्या है क्या है अब ये पूरा घाट रोड है अभी हम लोग घाट पे ही हैं अभी नीचे उतरे नहीं हैं और ऐसे रोड पे ना ये आवाज़ आ रहा था ना तो अभी डर लग गया था कि मतलब क्या है हाँ वही है वही है वही है लकड़ी था अचानक गाड़ी में अच्छी खासी गाड़ी में क्या इशू आएगा वही ना नई गाड़ी में साला मैं जाके सिमरन में पटक देता था गाड़ी को सही में बोलना क्या बोले चलो मिलते हैं अगले ट्रिप में तो भाई ना रास्ते में सबकी फटी पड़ी थी मतलब जिस हिसाब से रास्ते थे ना उस हिसाब से मतलब लिटरली एक टाइम पे डर लग गया था कि
क्या ही हो रहा है। हम लोग बहुत लेट करते थे, हम लोग को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इस टाइम पे हम ही लोग सिर्फ नीचे जाने वाले थे, पार्किंग तक आने वाले सिर्फ हम ही लोग थे, बाकी कोई नहीं आने वाला था। बाकी ऊपर जो भी लोग दिख रहे थे ना वो लोग स्टे करने वाले थे भाई। तो ऐसा कुछ हम लोग को एक्सपेक्ट नहीं था, हमको लगा कि कुछ लोग तो जाएंगे एटलीस्ट नीचे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो ये भी एक फन था, बट ये वाला जो ट्रिप है ना, ये हम लोग जो ऊपर से चल के आधे घंटे ट्रैक करके पार्किंग तक आया ना, ये हमेशा के लिए याद रहेगा यार। काफ़ी ज़्यादा डरावना था, और मज़ा तो आया ही लेकिन काफ़ी ज़्यादा डरावना था। एक टाइम पे डर लग गया था, जब तक जहाँ पे लाइट्स आ रही थी ना वहाँ पे सही था, लेकिन जहाँ पे लाइट्स वगैरह नहीं थी ना तो वहाँ पे थोड़ा सा अजीब लग रहा था। तो अभी अपन गाड़ी में पहुँच गए हैं और यहाँ से अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चैनल को नहीं लाइक किया जाता है, वीडियो को लाइक किया जाता है। कट कट कट। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है? वापस से बोल। वीडियो पसंद आया तो क्या करें, वीडियो का लाइक करें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है?